अभी आ गई है पहली सूरज की किरण और हम पहुंच चुके हैं आपके आधे रास्ते में। तो आज मजा आने वाला है, वाला मेरा वाला रुपये में जाने वाला हूँ। तो हुआ देखो आगे का सीन क्या क्या है। ये आगे हमारे गणेश भाई। गणेश भाई क्या हाल है? सब बढ़िया। ये जा रहे दुकान पे, हम जा रहे रुपये में। ये है भाई छोटा सा नहर, इससे खेतों में पानी जाता है और पानी मिलता है हमको रुपए के लिए। ये ऊपर हमारे खेत आने वाले हैं बाबा लोग। और ये है सीन यहाँ का, ये चमक गया सुबह सुबह खेत। तो भाई ये है खेत जहाँ पे अभी रुपाई हो चुकी है। आजकल रुपाई का टाइम है तो सब रुपाई चल रही है, तो हमारी भी ऐसी खेत रुपाई होगी। ये है जो सामने गांव देवराय गांव, इसके नाम से ही पूरा टाउन जाना हमारा टाउन जाना जाता है। और सामने मेरा गाँव छोटा सा, इसका नाम मिठाड़ है, जहाँ हम अभी जा रहे हैं वहीं हमारे खेत हैं। भाई पापा लोग चले गए उस रास्ते से, मुझे भेज दिया इस रास्ते से, क्योंकि ये है जरा पक्का रास्ता, वहाँ पे है खेत का रास्ता, कीचड़ वीचड़ बहुत ज़्यादा है। तो वो बोल रहे कि पक्के रास्ते से जाओ, फिसल मत जाना। और पहाड़ में आए थे, पहाड़ी गाना होता है सबके लिए। पारी भीड़ा घशारी, पारी भीड़ा घशारी, दातुली चमकौनी के कोनी तेरी धुन नी। हमने खेत में पहुंच चुके हैं, सामने मेरे पीछे ठीक मेरे पीछे हमारा खेत है। और बाबा लोग ये देखो, ये है हमारा पानी, यहाँ से पानी हमारा गया है खेत की तरफ। चलते हैं इस तरफ, वो खेत दिखाते हैं। बाबा लोग हम पहुंच गए हैं अपने खेत पे। तो यहाँ पे ये देखो, ये एक्चुअली हमारा बिनौड़ा होता है, इसको बिनौड़ बोलते हैं। और इसको भी आगे जाके अभी खेत में लगाएंगे। पापा गए पानी चलाने के लिए, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि पानी के लिए बहुत दिक्कत है आजकल। बारिश होती ठीक है, बस कभी कोई दिक्कत होती है, हमारे बहुत खेत है पानी भरने के लिए। तो भाई देखो धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, अभी तीन चार पाँच लोग आ गए और 7 बज चुके हैं। अब काम शुरू हो रहा है धीरे धीरे करके, रुपाई लगेगी पूरा, 8-9 खेत हैं तो सही हो रहा है। मैंने कुछ ड्रोन फुटेज लिए, आप देखना अभी वीडियो में। भाई आ गए हमारे गाय, और अब से होने वाला है यहाँ पे निराई उराई। बैल तो ये नीचे पूरे खेती खेत हैं, देखो नीचे बहुत सारे लोग रुपाई कर रहे हैं और पूरे खेत बचे हैं अभी। पहले ऊपर का होता है फिर नीचे का होता है, तो अभी वो लोग वेट कर रहे दे दे करके। नमस्ते प्याला सटी करी। ये है हमारे चाचा सामने, ये चाचा ने हमको बहुत सपोर्ट किया, बड़ा अच्छे हैं हमारे। वालों में मिली उनपे किरण का बात है, कौन सी की मून घर है नले तो कुछ दिन में उन कौन सी गया है काम। रोहित रोहित क्या बोलते हैं इसे जो पापा कर रहे हैं, तुझे पता नहीं क्या क्या बोलते इसे? इचाओ बोलते ना, इचाओ गाड़ना। हाँ तो बता यार, तो बता भी नहीं रहा है कितना वक्त यहाँ को देखते सही, जब बता सी क्या बोलते। शर्मा क्यों रहा यार रोहित, तो अपने बारे में ऐसी बात कर यार, इचाओ गाड़नी ना, बस ठीक हो गया। तो ये हमारी पहाड़ी भाषा है, हम यहाँ पे पहाड़ी भाषा ज़्यादा यूज़ करते हैं, हिंदी कम यूज़ करते हैं। तो बड़ा को भले कहना बड़ा क्या हो रहा क्या बात, तो ले यार समानी बहस नहीं करते। खेत हो गया रेडी रुपाई के लिए, इसकी निराई वराई सब हो चुकी है। अब लोग आ रहे हैं यहाँ पे रुपए लगाने के लिए। ये फेंक दिया है इन्होंने बिनौड़ा। बाबा लोग ये है पहाड़ी सेब नाशपाती, ये भी इसका सीज़न है स्टार्टिंग का, तो अभी एक दो महीने में ये पक के रेडी जाएंगे और बड़ा साइज़ होता है और बहुत टेस्टी होते हैं, हम उसको खाते हैं नमक के साथ, बड़ा टेस्टी होता है। तो और लोग हमारे यहाँ बहुत पेड़ हैं, पीछे देखो जितने पेड़ देख रहे हो पूरा ये सब नाशपाती नाशपाती है, नाशपाती नाशपाती है। तो यहाँ पे सब नाशपाती खेती होती है और बहुत पेड़ होते हैं, हम यहाँ से नाशपाती बेचते हैं और इससे आपका जैम वगैरह और बहुत अच्छी चीज़ें बनती हैं खाने के लिए। तो नट्स वगैरह में भी होता है, यूज़ होता है और यूज़ होता है जैम के लिए। तो बाबा लोग
ये नाशपाती आपको भी चाहिए तो बताना, आपके लिए इकट्ठा भेज देंगे। तो हमारे वहाँ पहाड़ में रुपाई के टाइम गाना जो गाते हैं बहुत बड़ा फेमस है, तो हमारे जो पीछे हमारे जो लोग हैं एक गाना गाना चाह रहे हैं, तो कहो दो चाची, कहो दो। तो सब हमारी चाची लोग हैं। मैं रोहित घसाई लोग के लिए पानी लेके आ रहे हैं, उनको भी खाना खाना है। और एक बज गए हैं, सुबह से लेके 6-7 घंटे हो चुके हैं और ये अभी जाके पूरा काम हुआ है। अब जाके वो जो लेडीज़ हैं वो ग्रुपाई करेंगी और सब कुछ शाम तक कंप्लीट हो पाएगा। और वैसे जो एक निराई गुड़ाई वाला काम है सब कंप्लीट हो चुका है। तो भाई लोगों, अब रुपाई के बाद हम आ गए हैं अपने गाड़ में। ये है हमारी नदी, छोटी सी नदी जो आती है ऊपर कफल डुआ से होते हुए। ये सामने है गाँव में भी बहुत खतरनाक रास्ता है। ये भ्यो है, भ्यो भ्यो मतलब यहाँ से कभी भी तुम नीचे घुर सकते हो और नीचे बहुत बड़ा रॉ है, तो बहुत सावधानी होके मुझे निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरा पैर फिसला तो I'll be dead, man. Bro, लोग सब तो शाम हो गई है और ये लास्ट का टाइम है सनसेट का। तो हम एक्चुअली घर में गया था नहा धोया फिर सो गए थे, तो उसके बाद अब घर की तरफ। तो आज का दिन बड़ा अच्छा रहा, सब लोग मिले और दोबारा आएंगे यहाँ घर और एंजॉय करेंगे। बोलो आप देखना वीडियो कैसे लगी और अपने रिव्यूज पक्का देना बोलो। तो भाई हमारे पहाड़ का फेमस कल्चर है और सब लोग नाच गाते हैं, साथ में मिलके काम करते हैं और सबके लिए खाना ये होता है, अनाज वो करते हैं। तो यार यही हमारा पहाड़ का फेमस कल्चर है और इसी को हम अप्रिशिएट करते हैं। तो सब लोग यहाँ पे अलग, हमारा एक ग्रुप चल रहा है, नीचे अलग ग्रुप है, हर जगह एक ग्रुप चल रहा है जो अलग गा रहे हैं, चेरिश कर रहे हैं। तो यार बहुत अच्छी बात है कि हमारे पहाड़ के लोग ऐसा करते हैं, बहुत प्राउड होता है फिर।